हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे मज़ल वेलोसिटी के ऊपर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मज़ल वेलोसिटी क्या होती है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें ज़्यादा डीप में हमें नहीं जाना, बिना फालतू हम कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, इसलिए आज हम इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए, मज़ल वेलोसिटी की सिंपल डेफिनेशन है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बस मतलब इसका क्या हुआ कि देखिए, मेरे सामने मुझे गन दी हुई है। वाह, बड़े अच्छी गन है हमारे सामने, ठीक है, समझ लो देसी कट्टा है, ठीक है। तो हमारे पास गन है, इससे बुलेट फायर हुई। जाहिर सी बात है, बुलेट फायर हुई तो बुलेट की कोई स्पीड होगी। जब बुलेट फायर होगी तो बुलेट की क्या होगी, स्पीड होगी। तो बुलेट की जो भी स्पीड होगी वो किसके रेस्पेक्ट में होगी, गन के रेस्पेक्ट में होगी। यानी कि इस बुलेट की स्पीड किसके रेस्पेक्ट में होगी, गन के रेस्पेक्ट में होगी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू क्या होगी, गन होगी। और उसको हम कैसे निकालते हैं, वी बी माइनस वी जी। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली सारी वीडियोस के अंदर आपको बताया, दो वीडियोस में बना चुका हूँ जिसमें रिलेटिव मोशन का मैंने बेसिक समझाया था, उसमें हमने क्या कहा था कि जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी किसी के रिस्पेक्ट में जब हम वेलोसिटी निकालते हैं, तो हम उसमें किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। भले हमें किसी के भी रेस्पेक्ट में दे रखी हो वेलोसिटी, लेकिन एट द एंड हम किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। यानी कि जब एक बुलेट फायर होगी तो उसकी एक वेलोसिटी हमारे पास दी होगी, लेकिन वो वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में होगी, गन के रेस्पेक्ट में। यानी ये वाली चीज़ हमें दे रखी होगी, इस गन के भी हमें वेलोसिटी दे रखी होगी। वो कैसे दे रखी होगी कि भाई गन तो आदमी के हाथ में होगी, तो आदमी का जो मोशन होगा वही क्या होगा, गन का मोशन होगा। मान लीजिए मेरे हाथ में एक गन है, ये गन अभी मैं 10 की स्पीड से भाग रहा हूँ, तो इस गन की स्पीड वेलोसिटी भी कितनी है, 10 है। अगर मैं अभी गन की स्पीड से भाग 10 की स्पीड से भाग रहा हूँ, तो गन की स्पीड भी कितनी होगी, 10 होगी। और मैं चलते चलते ही फायर कर देता हूँ, तो गन की स्पीड तो अभी भी 10 रहेगी, लेकिन बुलेट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू गन कुछ और होगी, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। तो मज़ल वेलोसिटी इसी को कहते हैं। ज़्यादा डीप का टॉपिक नहीं है, इसको हमेशा आपको ध्यान रखना है। फिर आपको क्या करना होगा, आपको ये दे रखा होगा, आपको ये दे रखा होगा, आपको सिर्फ बुलेट की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बस आपका इतना ही काम है, इतना ही काम है कि आपको बुलेट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड करके दे देनी है कि भाई ये गन थी, गन से बुलेट फायर हुई, बुलेट की स्पीड इतनी थी, चलो हो गई। गन की स्पीड तो पहले से दी होगी, चलो ये भी हो गई। बचा क्या, बुलेट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू गन, बुलेट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी कि मैं अगर ग्राउंड पे खड़ा हूँ तो मुझे बुलेट किस तरीके से जाते हुए दिखेगी, कितनी स्पीड से जाते हुए दिखेगी, यही चीज़ हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। यानी कि हमें फाइंड करनी है बुलेट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको मैंने इधर भेज दिया, तो बुलेट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू गन प्लस बुलेट की स्पीड, गन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हमसे हमारे पास क्या आ जाएगा, बुलेट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आया आपको? अच्छा, नहीं समझ में आया, ज़रा ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं मैं अभी ग्राउंड पे खड़ा हूँ, चलिए मैंने देखा कि एक आदमी 10 की स्पीड से भागता आ रहा है, उसके हाथ में गन है। आगे एक और आदमी भाग रहा है, वो 20 की स्पीड से भाग रहा है, उससे तेज भाग रहा है। जाहिर सी बात है, उसकी जान खतरे में, तो वो तो ऑलरेडी ऑलवेज तेज भागेगा, तो वो तेज भाग रहा है, वो 20 की स्पीड से भाग रहा है। एक बंदा 10 की स्पीड से भाग रहा है, मान लेते हैं ये बंदा है, ये 10 की स्पीड से भाग रहा है, ये बंदा है, ये 20 की स्पीड से भाग रहा है, दोनों इस तरफ भाग रहे हैं, इस बंदे के हाथ में गन है, तो जाहिर सी बात है गन की भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ गन कितनी है, 10 हो गई। और इस आदमी की वेलोसिटी कितनी है, मान लेते हैं इसको मैंने वी माना, ये मान लेते वी हो रही है, ये कितनी है, 20 है। अभी इस गन की वेलोसिटी कितनी है, 10 है। ये भागते 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 शूट कर रहा है, गन की वेलोसिटी 10 कैसे हुई, क्योंकि आदमी की वेलोसिटी भी कितनी है, 10 है। और गन किसके हाथ में, आदमी के हाथ में, इसलिए उसकी भी वेलोसिटी कितनी होगी, गन की वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब उस आदमी ने फायर किया, मैंने देखा कि बुलेट निकली, मान लेते हैं बुलेट की स्पीड थी 200 मीटर पर सेकेंड। ये 200 मीटर पर सेकेंड तो किसके रेस्पेक्ट में स्पीड है, गन के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, गन के। यानी बुलेट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू गन कितनी है अभी, 200 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि जब शूट हुई, जब उसने बुलेट शूट की, तब इसकी स्पीड कितनी थी, 200 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो किसके रेस्पेक्ट में थी, गन के रेस्पेक्ट में। लेकिन अब मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ और मुझे बुलेट ऐसे जाती हुई दिख रही है, तो मेरे रेस्पेक्ट में, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में,
वो उस बुलेट की वेलोसिटी कितनी है मुझे यही बताना है यहाँ पर, ठीक है। इसी को मजल वेलोसिटी कहते हैं। इतना सारा झंझट, एक बंदे की जान भी ले ली, देखो अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है, पता नहीं कौन था, लेकिन यहाँ पर एक बंदे की जान भी चली गई आपको टॉपिक समझाने के चक्कर में। तो आपको ये समझ में आ गई क्या? आपको सिर्फ एक ही चीज़ फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और आपका क्वेश्चन आपके हाथ में, ये जेई क्लियर हुआ आपका, और नीट भी हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस पूरे मामले को अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन की मदद से। यह क्वेश्चन आपके लिए, चलिए आपके लिए क्वेश्चन लेके आ जाते हैं। अब क्वेश्चन में अभी हमने एक बंदे को मारा है, अभी हमने एक बंदे को क्या कर दिया, मार दिया, लेकिन अब हम किसी बंदे को मारेंगे नहीं। अब हम बात करते हैं चोर पुलिस की। देखिए चोर एक पुलिस की कार है, 1990 का मॉडल है, ठीक है। तो ये पुलिस की कार है और ये एक चोर की कार है, थोड़ा एडवांस मॉडल होगा तभी चोर भाग रहा है। पुलिस की कार की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आर और इसकी स्पीड है 192 किलोमीटर पर आर। अभी सुन के आपको हंसी आई होगी कि यार ये पुलिस और ये थीफ तो इतना तेज भाग रहा है और ये पुलिस वाले 30 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहे हैं, ठीक है, यानी कार लेके भाग रहे हैं। चलिए अचानक से क्या हुआ, एक पुलिस वाले ने अपनी गन निकाली और उस गन से शूट की एक बुलेट, उस बुलेट को शूट किया, बुलेट के को जब शूट किया तब उसकी स्पीड थी कितनी थी बुलेट की, तब बुलेट की स्पीड कितनी थी, 150 मीटर पर सेकंड। चलिए क्वेश्चन सुन लिया आपने, दो कार हैं पुलिस की और थीफ की, पुलिस की 30 किलोमीटर पर आर, थीफ की 192 किलोमीटर पर आर। आप पुलिस वाले ने अपनी गन निकाली, अच्छा सर अगर मैं वापस आपसे एक सवाल पूछूं, मैंने अभी आपको क्या कहा कि गन की स्पीड भी कितनी होगी, देखिए पुलिस वाला कहाँ बैठा कार में और कहाँ कार चल रही ग्राउंड पे, ग्राउंड पे कार की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आर, इसका मतलब है कि गन की स्पीड भी कितनी होगी, 30 किलोमीटर पर आर। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, मतलब 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड से कोई गन चल रही है, अब उसमें से बुलेट शूट हुई और उस बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, 150 मीटर पर सेकेंड। अब मान लेते हैं ग्राउंड पे कोई बंदा खड़ा है, चलो मैं बंदा नहीं मानता, मैं मानता हूँ, हाँ चलिए बंदा ही मान लेता कि आपको समझ में आसान रहेगी। एक बंदा खड़ा है, बंदे ने यहाँ से देखा, जब बंदा यहाँ से देख रहा है तो अब हमें ये बताना है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है बुलेट की, हमें बस यही तो बताना। ये बंदा देखने का मतलब ये नहीं कि बंदा क्वेश्चन में है, ये तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई ग्राउंड से देखेगा, कोई ग्राउंड से बुलेट को जाते हुए देखेगा तो उस बुलेट की स्पीड कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। बंदा तो क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर आपको ये मेंशन नहीं कि कोई आदमी उसको बुलेट को जाता हुआ देख रहा है। ये बात मैंने आपको बताई है, क्यों बताइए, ताकि आपको समझने में आसानी रहे, आपकी इमेजिनेशन में ये चीज़ आ जाए कि भाई बुलेट शूट करेगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कार को, किसकी कार को, थीफ की कार को। आप क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, क्वेश्चन में एक ही चीज़ पूछी है कि ये बुलेट कितने मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थीफ की कार को हिट करेगी, कितने मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थीफ की कार को हिट करेगी। चलिए ये बता देते हैं हम आप अभी। सो मजल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट फिक्स है, क्या कॉन्सेप्ट फिक्स है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन यानी वीबी माइनस वीजी। दोनों की यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में होगी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अभी मैंने क्या कहा आपको, अभी जस्ट मैंने जब एक बंदा मारा यहाँ पे, तब मैंने आपको क्या बताया था कि बुलेट की जो स्पीड होगी वो किसके रेस्पेक्ट में होगी, गन के रेस्पेक्ट में, यानी कि अभी इसकी जो स्पीड है वो किसके रेस्पेक्ट में, गन के रेस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन कितनी है, 150, मतलब ये जो शूट हुआ ना अभी बुलेट से, ये जो बुलेट अभी शूट हुई ना ये किसके रेस्पेक्ट में, गन के रेस्पेक्ट में, इसलिए इसकी वेलोसिटी भी किसके रेस्पेक्ट में, गन के रेस्पेक्ट में, तो वो तो 150 दी हुई है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, यहाँ पर मीटर पर सेकंड है इसलिए हमें इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। आप जानते होंगे कि किसी भी चीज़ को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 25/3 मीटर पर सेकंड। और 192 को अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 160/3 मीटर पर सेकेंड। सो नाउ मेरे पास दो आई वैल्यूज, अच्छा इसकी मैं वेलोसिटी मानता हूँ VP और इसकी मैं मान लेता हूँ VT, वेलोसिटी ऑफ पुलिस वेलोसिटी ऑफ क्या नाम है थीफ, वेलोसिटी ऑफ पुलिस वेलोसिटी ऑफ थीफ। तो
वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि ग्राउंड से अगर हम मैं देख रहा हूँ तो मुझे कितना दिख रहा पता ही नहीं। लेकिन वेलोसिटी ऑफ गन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? उतनी ही जितनी वेलोसिटी ऑफ पुलिस है, यानी पुलिस की कार की रिस्पेक्ट में। यानी देखिए, पुलिस की कार की जितनी स्पीड होगी उतनी ही कितनी किसकी स्पीड होगी? गन की भी स्पीड होगी, ठीक है। और ये पुलिस की कार कहाँ चल रही? ग्राउंड पे। इसका मतलब इसकी जो स्पीड है वो भी किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। आपको ये चीज़ सेंसिबल है? ये चीज़ ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें सिर्फ इतनी बात बोली गई, भाई हम भी जानते हैं ना, गन की स्पीड उतनी होगी जितनी कार की स्पीड होगी, गन की स्पीड उतनी होगी जितनी कार की स्पीड होगी। मतलब एक बंदा अगर ग्राउंड पे खड़ा है और वो पुलिस वालों को ऐसे गन लेके ना ऐसे देख रहा हो गाड़ी में से, कि गाड़ी के अंदर एक पुलिस वाला ऐसे गन लेके बैठा है और वो शूट करने वाला है, तो उसको गन की स्पीड उतनी ही दिखाई देगी जितनी की कार की स्पीड होगी, ठीक है। और उसको गन की स्पीड भी कितनी किलोमीटर की दिखाई देगी? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिखाई देगा, क्योंकि कार की स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और कार कहाँ पे चल रही? ग्राउंड पे। और ये भी कहाँ पे? ग्राउंड पे, क्योंकि मैं बुलेट जब वो गन को देखूंगा वो किसके रेस्पेक्ट में देखूंगा? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही तो देखूंगा। मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ, पुलिस वाला ऐसे गन लेके ऐसे जा रहा है, गाड़ी के अंदर ऐसे गन लिया हुआ है, ठीक है, तो मैं तो ग्राउंड से ही तो देख रहा हूँ पुलिस वाले को। जब मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ तो उसकी स्पीड मुझे कितनी दिख रही है? जितनी की कार की स्पीड हो। तो कार की स्पीड यहाँ पर, सॉरी, इसकी कितनी होगी वेलोसिटी ऑफ गन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? अभी कितनी है? 25/3। ये माइनस का 25/3 इधर आया, प्लस का 25/3, तो 150 प्लस 25/3। चलिए, आपने जब इसको एलसीएम लेंगे, मैं अगर इसका एलसीएम लेता हूँ तो इसका आंसर आएगा 450 प्लस 25/3। सो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 475/3 मीटर पर सेकेंड। हाँ, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो निकल गया। चलिए, अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछता ना तो हमारा आंसर यहाँ पर एंड है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में आगे एक बात और पूछ ले, वो क्या बात पूछ ले? वो ये पूछ ले कि मान लो चोर ऐसे पीछे मुड़ के देखे बुलेट को, तो बुलेट चोर को कितनी स्पीड से आते हुए दिखाई देगी? यानी कि अब हमें बुलेट की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू थीफ, यानी कि VB-VT दोनों की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ, ये तो अभी हमने निकाला 475/3, और वेलोसिटी ऑफ थीफ कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ थीफ कितनी होगी? उतनी ही जितनी उनकी कार की स्पीड है। उनकी कार की स्पीड कितनी? 160/3। एलसीएम लेंगे, अगर मैं एलसीएम लूँगा तो नीचे 3 आएगा, 475 में से 160 को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ इक्वल्स टू, माइनस करते हैं तो 315/3। अगर मैं इसको काटूँ तो मेरे पास एक पर्टिकुलर आंसर आएगा 105 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आपको आंसर किलोमीटर में दिया हो तो आपको क्या करना है दोस्तों? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका आंसर आपके पास किलोमीटर में आ जाएगा, 21×80। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो ये था हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का, सॉरी, मजल वेलोसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने आपके सामने विद क्वेश्चन आज डिस्कस कर लिया। चलिए, मैं फिर से आपसे कहता हूँ, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब एक कार के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा या किसी मूविंग चीज़ के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा ऑब्जेक्ट उसके अंदर रेस्ट हो, मतलब कुछ इस तरीके से। अच्छा, देखिए, मैंने ये जितना कॉन्सेप्ट है ना, जो भी मैंने ये बोला है, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट, ये बेसिक है, ये मैंने रिलेटिव वेलोसिटी के बेसिक्स में सब डिस्कस कर चुका हूँ मैं पहले से ही। तो अगर आपको और डीप में इसको जानना है, रिलेटिव वेलोसिटी के इस कॉन्सेप्ट को, यानी कि ये कैसे हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं, पुरानी जो 2 वीडियोज़ है जिसमें मैंने ये सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये कार है, कार की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, तो इसके अंदर एक आदमी बैठा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी अभी कितनी है? 0 है। उसकी वेलोसिटी कितनी अभी? 0 है। तो मैं जब उसको बाहर से देखूंगा ना, भाई कार के अंदर तो वो बंदा रेस्ट में और कार चल रही है, कार की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। मैं जब बाहर से उस बंदे को देखूंगा तो मुझे उस बंदे की स्पीड भी कितनी दिखाई देगी?
100 किलोमीटर पर आर की स्पीड दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वो तो अभी कहाँ पे है, रेस्ट में कार के अंदर, लेकिन कार क्या कर रही है, मूव कर रही है, इसलिए उसकी वेलोसिटी और कार की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी भी मुझे कितनी दिखाई देगी, 100 किलोमीटर पर आर। यही चीज़ सिंपल सा गन के लिए भी है। ये जो गन है वो कहाँ पे, आदमी के हाथ में और आदमी किस में, कार में। गन और आदमी दोनों ही कहाँ पर है, रेस्ट में। मूव कौन कर रही है, कार मूव कर रही है, कार मूव कर रही है। इसीलिए इस गन की भी वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 25/3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 30 किलोमीटर पर आर। और अगर आपको और अच्छे से ये समझना है, कुछ क्वेश्चंस इसके और देखने हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी के, तो मैंने वीडियोस बनाई हुई है, जाइए देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत आई है तो प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट करिए, और मैं आपको इसका आंसर ज़रूर दूंगा। और सबसे बड़ी बात, नेक्स्ट वीडियो में हम लाने वाले हैं रिवर बोट प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर मैं आपके सामने रिवर बोट के 3 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिसके अंदर रिवर बोट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूले। और हाँ, कमेंट आपको ज़रूर करना है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ या मेरे कॉन्सेप्ट में आपको कुछ गड़बड़ी लग रही है तो प्लीज़ यार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, सी यू लेटर।